गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन इन इंग्लिश लिटरेचर स्टोन स्टूप सूप इन बोहिमिया अब ये जो बोहिमिया है ये एक हिस्टोरिकल कंट्री है माना गया ऑस्ट्रे ऑस्ट्रिया में मतलब जर्मनी हॉलैंड फ्लैंडर्स ऑस्ट्रिया इन जगह के बीच में ये बोहिमिया है और स्टोन uh, सूप का मतलब है स्टोन से बना हुआ सूप यहां पर राइटिंग राइटर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि यह 1968 के अंदर एन मैक ने लिखा था और इसे इलुस्ट्रेटेड किसी और ने किया था इलस्ट्रेटेड बाय नोला लैंगनर राइटर मेंशन नहीं है मैंने आपको बता दिया और ये जो ऑस्ट्रिया ये जो बोहेमिया है ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया 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 हंगरी सुना होगा आपने वहाँ अब ये मेरे पास ओल्ड बुक है तो मैंने यहाँ बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है पहले से ही और मीनिंग uh, लिखे हुए हैं कहीं पर कुछ उनके टीचर ने बोला होगा तो वो लिखा हुआ है let's start reading in pre-reading tasks we have two questions have you ever bladded uh, beef sorry befooled animal क्या आपने कभी किसी को मूर्ख बनाया है narrate the event in the class if you were to choose between intelligence and money what would you opt it for give reason for your choice अगर आपको इंटेलिजेंस और मनी में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे अब हम स्टोरी पढ़ते हैं एक स्टोरी है सोल्जर की किस तरीके से उसने गांव वालों को बेवकूफ बनाया और अपना काम निकाला रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ अ हंग्री सोल्जर्स इंटेलिजेंस कि किस तरीके से एक हंग्री सोल्जर की इंटेलिजेंस ने फैच हिम अ सेटिसफाइंग मील उसे एक सेटिसफाइंग मील दिया फैच का मतलब लाना होता है उसे एक सेटिसफाइंग मील दिया इन यूरोप in the olden days soldiers returning from war used to roam around in the countryside साइड यूरोप में पुराने दिनों की बात है जो सोल्जर्स हैं जो वार से मतलब युद्ध से जो लौटते थे तो वो इधर उधर रोम अराउंड का मतलब भटकते रहते थे दे डिपेंड एंड पार्टली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलेंस एंड पार्टली एज वी शेल सी इन द टेल अपॉन दियर ओन शार्प विट्स जो कुछ तो पार्टली का मतलब कुछ पार्ट तो वो किस पे डिपेंड करते थे जो पॉपुल जो लोगों की दया है उसके ऊपर और कुछ वो खुद इस कहानी में देखिए आप कि अपने किस अपने विट विट क्या होता है बुद्धि जो शार्प माइंड होता है उसको हम विट कहते हैं हाजिर तो अपनी बुद्धि के दम पे वो किस तरीके से डिपेंड थे और किस तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंड थे तो ये यहाँ पर बताया गया है थ्री और फोर सेंचुरीज अगो चार से पाँच सेंचुरीज़ पहले इन बोहेमिया बोहेमिया एक हिस्टोरिकल कंट्री है मैंने आपको बताया अ सोल्जर रीज अ स्मॉल विलेज एक सोल्जर uh, एक छोटे से uh, गांव में पहुंचा इट वॉज अ ड्रैब ड्रैब का मतलब क्या होता है नीरस जिसमें कोई भी मतलब बोरिंग एंड थ्रैड बेयर काइंड ऑफ प्लेस थैड क्या होता है जो घिसा पिटा होता है जैसे पुराना फटा पुराना होता है तो उसको थ्रेड बोलते हैं कि ऐसे ही एक मतलब गांव में गया कुछ ज्यादा डिवेल डवेल्प विलेज नहीं था वो बट वॉक डिन टू द विलेज स्क्वेयर विलेज स्क्वायर क्या होता है जो गाँव के अंदर जो स्क्वेयर होते हैं ना जैसे बने हुए तो वो विलेज स्क्वायर के अंदर गया एंड अनलॉडिड हिज मीगर किट और उसने अपनी एक मीगर क्या होता है जिसमें मतलब थोड़ा बहुत ही हो ज़्यादा ना हो तो वो उसको अनलॉड किया मतलब उसको खोला उसमें क्या क्या था रफ लैदर पैक एक तो रफ सा लेदर का पैकेट पैक था हॉर्स हेयर ब्लैंकेट हॉर्स के बालों से बना हुआ ब्लैंकेट था एंड एन आयरन कॉल्ड्रन और एक आयरन की कढ़ाई कॉल्ड्रन का मतलब होता है कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते हैं विच ही कैरिड ऑन इज़ बैक लाइक अ हम्प हम्प क्या होता है जो जैसे वो होता है ना कैमल uh, होता है कैमल के ऊपर जो वो गोल गोल होता है उठा हुआ उसे हम्प बोलते हैं उसने वो अपने ऊपर मतलब uh, एक हम्प की तरह उठा रखा था जैसे कैमल के हम्प होता है स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ अपने आप को फैलाते हुए मीन्स कि अपने पैर वगैरह सीधे करते हुए क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चल के आ रहा था तो अपने आप को फैलाते हुए लूजनिंग हिस्काट अपना कॉट लूज़ करते हुए जैसे हम टाई को लूज़ करते हैं ना वैसे खोलते हुए मतलब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ अपने बूट निकालते हुए ही सेटल डाउन ऑन द पेमेंट फॉर द नाइट पेमेंट क्या होता है जो रास्ते का जो मतलब फ्लोर होता है फर्श होता है उसको हम पेमेंट कह देते हैं ठीक है तो वो रात को वहीं पर बैठ गया ऑलमोस्ट एट वंस ही फेल्ट अटेन हॉस्टिलिटी अमंग दर्स बाई ऑलमोस्ट एट कि एकदम से उसने कुछ हॉस्टिलिटी क्या होता है दुर्भावना दुश्मनी मतलब एन एक्सट्रीमली एंड फ्रेंडली एटीट्यूड ठीक है तो उसे जो उसने देखा कि जो पास से गुजर रहे हैं पासर्स बाई में जो पास से लोग गुजर रहे हैं वो उसकी तरफ बड़े ही दुर्भावना से देखते हैं मतलब कि कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि भई आपको कुछ चाहिए क्या वो सोल्जर है आखिर Uh, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कह रहा कोई कुछ नहीं पूछ रहा अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट ग्रम्पी का मतलब हो जाए तुनक मिजाज और रिसेंटमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ एंगल मीन्स गुस्सा तो उनके अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा था एकदम से आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू सैड वन स्लाई ओल्ड मैन अब ये स्लाई क्या होता है शाई नहीं है स्लाई। स्लाई का मतलब होता है जो चलाक होता है ना जैसे धूल ता चलाक होता है तो एक uh, बूढ़े आदमी ने बोला कि आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू मैं सोचता हूँ कि तुमने ये सोचा होगा कि हम तुम्हें खाना देंगे लीनिंग ऑन हिज स्टिक एट ही द सोल्जर जैसे ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर अपनी स्टिक पे कैसे वो झुका हुआ है तो लीनिंग का मतलब झुकना होता है तो झुकते हुए उसने ओल्ड मैन को बोला कि तुमने सोचा होगा कि हम तुम्हें खाना देंगे वेल आई हैव यू नो यंग मैन दैट आई एम द बर्गो मास्टर ऑफ द विलेज अब ये बर्गो मास्टर क्या होता है वैसे तो इसको चीफ मैजिस्ट्रेट बोलते हैं चीफ मैजिट जैसे अपने गांव में सरपंच होता है वैसे ये गांव का मतलब बर्गो मास्टर था सरपंच था ठीक है लेकिन ये बर्गो मास्टर ये जो जर्मनी है और जो ऑस्ट्रिया है हॉलैंड है फ्लैंडर्स हैं ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर इनको मतलब यही बोला जाता है बर्गो मास्टर तो ये बोहेमिया की बात हो रही है ऑस्ट्रिया के अंदर है तो ये बोला कि मैं तो बर्गो मास्टर हूँ इस विलेज का एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग हेयर Uh, और आई uh, विल tolerate नो गुड फॉर नथिंग सेयर और मैं यहाँ पर किसी भी uh, किसी चीज़ के लिए भी अच्छे को uh, बर्दाश्त नहीं करूँगा मतलब कोई भी आ जाए चाहे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन थिंक ऑफ हमारे पास अपना uh, मुँह है सोचने के लिए डू यू हियर मी यंग मैन सेड दिस हॉरिड पर्सन इस भयानक पर्सन ने हॉरिड क्या होता है भयानक हॉरिड पर्सन ने उसको पूछा क्या तुम मुझे सुन सकते हो यंग मैन तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे अब द सोल्जर हार्ड ऑल टू क्लियरली सोल्जर ने सब कुछ सुन लिया था जो भी उसने बोला साफ साफ इफ ओनली बिकॉज द बर्गो मास्टर वॉज नाओ बेलोइंग बेलोइंग का मतलब क्या होता है जो जोर जोर से हम चीखते हैं ना उसको बेलोइंग कहते हैं तो वो जोर जोर से चीखने लगा द टॉप ऑफ हिज वॉइस अपनी मतलब जितना आवाज उसकी वॉइस में हो सकता था एंड द लिटिल क्राउड और जो थोड़ी बहुत भीड़ वहाँ आ गई थी दैट हैड गैदर्ड अराउंड हिम जो किसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी वो इकोइंग वर्ड्स इकोइंग का मतलब गूंजना मतलब वही वर्ड गूंज रहे थे उनमें भी विद द एवरी साइन ऑफ अप्रूवल मतलब अप्रूवल के साइन मीन्स दे आर एग्री विद बर्गो मास्टर कि भाई हाँ ये सही कह रहा है वो क्या कहते हैं नॉट अ बीन विल आई गिव यू मैं तो एक दाना भी नहीं दूंगी आई गिव यू मैं तो उसे एक दाना भी नहीं दूंगी अ वोमेन विद अ वार्ट वार्ट क्या होता है वार्ट होता है जो जैसे हमारे ये जो मस्सा होता है ना मस्सा जैसे तो बड़ा तिल होता है गांठ सी बन जाती है उसकी तो वो चीज़ वार्ट बोलते हैं उसको वार्ट ऑन हिज नोज एंड सेइंग वो उसके नोज के ऊपर जिसके ऊपर वार्ट बना हुआ था वो कहती है कि नॉट अ सिंगल पी पॉड पी जो मटर का छिलका होता है हस्क हस्क ऑफ द पी तो मैं तो एक छिलका भी नहीं दूंगी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉक हेयर सॉरी वी आर रिस्पेक्टेबल फॉक हेयर हम यहाँ पर फॉक का मतलब क्या होता है जो आम आदमी जो वहां रहते हैं कि हम तो यहाँ के uh, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेबल फॉक हैं बंदे हैं सैड अनदर दूसरी वॉइस ने बोला सुन द होल स्क् वॉज मर्मरिंग डिस एग्रीएबली और uh, जल्दी ही जो सारा का सारा स्क्वेर था उसमें डिसएग्रीएबली का मतलब बड़बड़ाहट होने लगी मतलब सारे ही मतलब उसको मना कर रहे थे ऐसी आवाज़ें आने लगी एंड द सोल्जर माइट विल हैीन फॉर गिवन इफ़ ही हैड फेल्ट अ लिटल डेस्पॉन्डेंट डेस्पोंडेंट मीन्स डिप्रेस डाउन या हम कह सकते हैं निराश या आशाहीन कुछ भी मतलब अगर नॉर्मल बंदा होता तो इतना सब कुछ सुन के कि सारा गांव मेरे खिलाफ़ बोल रहा है वो मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे तो कोई भी निराश हो सकता था है ना लेकिन जो सोल्जर था माई ट्वेल्व हैव बिन फॉर गिवन कि उसे माफ़ किया जा सकता था इफ़ ही हैड फेल्ट अ लिटल डिस्पोंडेंट अगर वो थोड़ा बहुत निराश हो जाता तो उसे माफ़ किया जा सकता था इन फैक्ट ही वॉज नॉट डिस डिसहार्टेंड एट ऑल लेकिन वो वास्तव में उसने मतलब निराश नहीं हुआ वो फॉर ही वॉज एक्सट्रीमली चेयरफुल वो बहुत ज़्यादा खुश था स्वैप्ट ऑफ इज रेड कैप उसने अपनी रेड कैप उतारी मेगा मॉक बो टू दी मॉक का मतलब क्या होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं बो का मतलब होता है झुकना जैसे हम अपनी टॉपिक को उतार के झुकते हैं ना किसी की बात को मानने के लिए तो उसने भी ऐसे ही किया उसने अपनी कैप उतारी रेड कैप उतारी और झुका वो बड़े मजाकिया तरीके से झुका विंग्ड विंग्ड क्या होता है पलक झपकना जैसे हम किसी को सहमति देने के लिए जब पलक झपकते हैं ना विंग ड वोमन विद द वार्ट और वो जो वार्ट वाली वोमन थी जिसके नाक पे वार्ट था उसकी तरफ भी उसने अपनी झपकाई ऑन हर नोज एंड सैड ऑल राइट फ्रेंड्स ऑल राइट मिस्टर बर्गो मास्टर सर आई डोंट वरी उसने कहा ठीक है ठीक है मिस्टर बर्गो मास्टर चिंता मत करो आई वस्क थिंग ऑफ यू मैंने मैं आपसे एक भी चीज़ नहीं मांगूंगा अगर आप ये सोचें कि मैं आपसे कोई चीज़ मांगूंगा आई जस्ट स्पेंड द नाइट हेयर मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक रात बिताऊंगा इफ़ आई मे माइनिंग माई ऑन बिजनेस अगर मैं अपना ही काम कर लूँ तो, तो मतलब मैं अपने ही काम से मतलब रखूँगा आपके कोई किसी काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा एंड इन द मॉर्निंग आई विल बी ऑन माई वे और जब सुबह होगी तो मैं अपने रास्ते चल दूँगा आई नो हाउ यू ऑल फील मैं जानता हूँ कि आप सब क्या फ़ील करते हैं कैसा फ़ील करते हैं एंड आई डोंट ब्लेम यू और मैं आपके ऊपर ब्लेम भी नहीं लगाता आपको दोष भी नहीं देता फॉर इट इसके लिए वी ओल्ड सोल्जर हम बूढ़े सोल्जर वी कैन बी न्यूसेंस समाइम हम कभी कभी आपके लिए परेशानी न्यूसेंस का मतलब क्या होता है परेशानी हम आपके लिए कभी कभी परेशानी बन जाते हैं इसीलिए शायद आप हमसे इतना नफरत करते हैं क्योंकि देखिए सोल्जर्स को तो अपना काम करना ही पड़ता है तो सोल्जर्स तो क्या करते हैं अब जब उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उनको तो ड्यूटी पे आना पड़ता है लोगों को सख्ती से ए, उस आदेश का पालन भी करवाना पड़ता है लेकिन जो इसीलिए लोगों के मन में सोल्जर्स के लिए थोड़ी सी नफरत हुई तो वो कहता है कि हम जानते हैं कि हम आपके लिए कभी कभी समटाइम्स कभी कभी परेशानी का विषय बन जाते हैं नो डोंट यू वरी लेकिन आप टेंशन ना लो आई एल जस्ट क्लीन माई क्लीन अप माई कॉलराउंड Uh, मैं अभी देखिए मेरी कॉल्ड्रॉन uh, साफ करूँगा एंड वी ही रब्ड द इनसाइड ऑफ़ द पॉट इन अ डिजल्ट्री सॉर्ट ऑफ वे डिजल्ट्री मीन्स जो अनियमित तरीके से मतलब उसने अपनी uh, जो पॉट लिया हुआ था उसने उसको अंदर से रब किया जैसे साफ़ किया अंदर से डिजल्ट्री सॉर्ट ऑफ में मतलब ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल साफ़ करते हैं ऐसे नहीं बस थोड़ा सा साफ़ कर लिया विद स्पॉटेड हैंकर चीफ एक uh, धब्बेदार स्पॉटेड का मतलब जो धब्बेदार उसके पास रुमाल था उससे जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी वैसे तो क्रॉकरी बेटा पहले तो मिट्टी के बर्तनों को बोलते थे चीनी मिट्टी के बर्तनों को लेकिन आजकल तो क्रॉकरी में सब कुछ ही आ गया है आप कंच भी शामिल कर लेते हैं जितने कप हैं प्लेट्स हैं आप सब क्रॉकरी में ही लगा देते हैं ना तो क्रॉकरी वो कहता है कि जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी अभी मैं क्रॉकरी प्रिपेयर करता हूँ एंड मेक माई सेल्फ ए नाइस बाउल ऑफ स्टोन सो और मैं मेरे लिए अब एक एक कटोरा स्टोन सूप बनाऊंगा एंड सो सिंग so और इस तरीके से बोल कर ही पुल्ड आउट ऑफ इस पैक टू लार्ज स्टोन उसने अपने पैक में से दो बड़े बड़े स्टोन निकाले पॉपिंग दैम इन टू द कॉलड्रॉन पॉपिंग का मतलब क्या होता है पटकना जैसे उसको उसने पटक दिए उसमें कढ़ाई में ही फिल्ड इट अप विद वाटर फ्रॉम द विलेज पंप फिर वो विलेज पंप से थोड़ा सा पानी लेके आया और उसने उसमें पानी डाल दिया लिट अ फायर ऑफ स्टिक्स स्टिक्स की उसने फायर जला दी एंड सडल डाउन अपॉन द ग्राउंड टू वेट फॉर द ब्रू टू बॉयल ब्रू का मतलब क्या होता है ब्रू मीन्स मिक्सचर जो उसने ये मिक्सचर बनाया ना किस चीज़ का जो उसने क्या डाला एक तो स्टोन डाले और एक पानी डाला तो इसको बॉयल जब तक मतलब उसके बॉयल की वेट में वो बैठ गया द विलेजर्स लुक डोन स्टूप फाइट स्टूप फिट जो विलेजर्स थे स्टूप फिट का मतलब क्या होता है Uh, हैरान ठीक है वो हैरान हो गए स्टोन स्टूप स्टोन से सूप बनेगा वो ज मैन मैड क्या ये आदमी पागल है जस्ट स्टोन्स इन वाटर पानी में सिर्फ स्टोन डालने से वट काइंड ऑफ स्टोन किस तरह के स्टोन हैं वो जी अ मेजिशियन क्या वो कोई जादूगर है हु हु हैज़ एवर हार्ड ऑफ सच अ डिश इस तरह की डिश के बारे में किसने कभी सुना है स्टोन सूप रैन द मरमर अराउंड द स्कूर मरमर मतलब जो बड़बड़ाने की आवाज़ है सारे लोग आपस में बात कर रहे थे तो इस तरह की आवाज सारे वहां पर स्क्वेयर में फैल गई ऑल राइट देन सेट द सोल्जर स्टरिंग पॉट विद स्पून और वो सोल्जर बोला स्टरिंग स्टरिंग का मतलब क्या होता है हिलाना कि उस पॉट में एक वुडन स्पून से हिलाते हुए वो बोला ठीक है डोंट अपसेट यूअर सेल्फ अपने आप को अपसेट मत करो मतलब इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है इट इज़ जस्ट अ लिटल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी ये एक प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है यानी कि जब आदि मानव होता था उस टाइम के टाइम की रेसिपी है आई पिक्ड अप इन फॉरन प्रेजेंटेड इन टू मी बाई सेंट मुझे ये एक सेंट ने दी थी जब मैं फॉरन में था इन ग्रेटिट्यूड फॉर माई हैविंग सेव्ड हिज लाइफ वन थटेंड बाई वाइल्ड एनिमल्स और ग्रेटिट्यूड uh, का मतलब क्या होता है भाई हम किसी का एहसान मानते हैं तो उसने मेरा मेरे एहसान के बदले में जो मैंने उसकी लाइफ को बचाया था एलिफेंट से तो उसके बदले में उसने मुझे ये रेसिपी ये स्टोन्स दिए थे दीज टू स्टोन्स ये स्टोन्स दिए थे हैव द पावर टू ब्रू फॉर मी द मोस्ट डिलीशियस और इनके पास ये पावर है कि ये मेरे इस खाने को इस पदार्थ को इस मिक्सचर को बहुत ही डिलीशियस बना देंगे द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप दैट एवर मैन टेस्टेड मतलब मुंह में पानी आ जाएगा ऐसा सूप बनेगा जो आदमी ने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा स्टोन सूप फ्रॉम चाइना आ उसने बड़ा आनंद लेते हुए कहा कि स्टोन सूप फ्रॉम चाइना एंड टेकिंग अ लिटिल ऑफ वाटर इन हे स्पून और फिर उसने थोड़ा सा स्पून में पानी लिया ही सिप्ड इट विद रैलिश रैलिश का मतलब क्या होता है बड़ा टेस्ट के साथ मज़े के साथ और फिर उसने सिप किया मतलब थोड़ा सा टेस्ट करके देखा उससे बड़ा मज़ा और क्या बोला कमिंग अलोंग वेरी नाइसली बहुत ही अच्छा टेस्ट है सैड ही द पीजेंट्स इन साइलेंस का मतलब कन्फ्यूजिंग तो जो जबकि जो पीजेंट्स थे जो मतलब ब्राह्मीण किसान थे वो सारे सारे बड़े हैरानी कन्फ्यूजिंग वे में देख रहे थे कि हो क्या रहा है दिस इज द वेरी सेम सूप दैट एलेक्सेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टोम द पिरामिड स्टोन सूप फ्रॉम चाइना द स्टोन सूप फॉर हीरोज अब वो ऐसे बोल रहा था कि ये वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने पिया था जब उसने पिरामिड्स के ऊपर हमला किया था स्टोन सूप फ्रॉम चाइना द सूप फॉर हीरोज मतलब हीरोज़ के लिए ये सूप बना है यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल आप मुझे सारे के सारे फ्रेंडली पीपल दिखाई देते हैं आई लाइक यू फेसिस मुझे आपके फेसिज बड़े पसंद हैं सपोज आई मेक अप बिट एक्स्ट्रा फॉर यू आ सोचो कि मैं आपके लिए भी कुछ खाली मतलब कुछ बना दूँ ज़्यादा बना दू आपके लिए भी द कॉलरन इज बिग ये जो कढ़ाई है तो बहुत बड़ी है बिग इनफ मतलब बहुत बड़ी है जस्ट अ बिट मोर वाटर दैट इज इट मतलब बस इसमें थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा बस आपके लिए भी बन जाएगा स्टॉक अप द फायर स्टॉक अप का मतलब होता है बढ़ाना जैसे लकड़ियों को और आग देना गिव इट स्टिर फिर उसने स्टर थोड़ा सा उसके घुमाया देयर वी आर देन इनफ फॉर अस ऑल टू हैव अल तो उसने बोला कि बस थोड़ा सा ही है और अभी ये हम सब के लिए तैयार हो जाएगा एक कटोरा फिर उसने मतलब वो बड़ा ही वो आनंद ले लेके ये बात बोल रहा है ताकि उनको यकीन हो जाए कि हाँ ये वास्तव में बहुत टेस्टी होने वाला है दिटीजन वर टेकन अबैक अबैक का मतलब क्या होता है चौंका देना मतलब एकदम वो सारे के सारे चौंक गए दे आर यू ट्राइंग टू टेल मी सैड द बर्गो मास्टर स्वेवली का मतलब क्या होता है कठोरता mm, से बर्गो मास्टर ने बोला कि क्या तुम हमें यह बताने जा रहे हो दैट all यू नीड टू मेक यू सूप कि अगर जो तुम्हें तुम्हारे सूप को बनाने की जो चीज़ें ज़रूरत है वो बस जस्ट ये दो पत्थर और एक पॉटफुल वाटर बस ये दो चीज़ चाहिए तुम्हें सूप बनाने के लिए दैट इज़ ऑल सर replied द सोल्जर सोल्जर ने बोला हाँ सर बस इतना ही चाहिए नथिंग मोर नॉर लेस ना ज्यादा ना कम यू बट स्टोन सोप इज इवन बेटर होगा even more, breathtaking, wonderful. Breathtaking मतलब जो ऐसा रूप से वंडरफुल हो विद पिंच ऑफ गार्लिक और ऑफ अ कैरेट ब्रिंग्स तो वो कहता है कि कौन सा सूप ज्यादा अच्छा होगा एक तो जो पंच ऑफ गार्लिक गार्लिक क्या होता है जो लहसुन होता है भी अगर एक दो चुटकी लहसुन की मिल जाए और अ कैरेट ब्रिंग्स आउट द फ्लेवर और जो कैरेट है जो कैरेट की वजह से उसमें और फ्लेवर आ जाए और मतलब स्वाद आ जाए यू you नो know, आप जानते हैं कॉलीफ्लावर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फिर उसके बाद जो कॉलीफ्लावर है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है एनी बडी गोट अ बिट ऑफ ग्रीन स्टफ़ टू थ्रो इन Uh, हर कोई कोई भी ग्रीन स्टफ़ लेके आ सकता है कोई भी ग्रीन चीज़ लेके आ सकता है मतलब ग्रीन वेजिटेबल के बारे में कह रहे हैं पत्तेदार इसके अंदर डालने के लिए ना वायल एल मेक और मेक श्योर द स्टोन्स आर फर्मेंटिंग प्रॉपरली और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टोन्स हैं वो फर्मेंटिंग का मतलब क्या होता है जैसे खमीर उठता है ना उफान आता है इतने में ये जो स्टोन्स हैं इनमें अच्छी तरीके से उफान आ जाएगा इतने में हम ये सारी चीज़ डाल सकते हैं अगर हमें इसको और भी टेस्टी बनाना है तो देखो कैसे पागल बना रहा है वो उनको उसने बोला कि इसमें थोड़ा सा लहसन भी डाल दें थोड़ा सा कैरेट कॉलीफ्लावर डाल देंगे फिर ग्रीन स्टफ डाल देंगे तो ये और भी अच्छा बन जाएगा वैसे तो ये बहुत अच्छा बनता है लेकिन अगर ये चीजें और डाल दें तो ये और भी टेस्टी बनेगा द पीजेंट्स लुक डट ईच अदर शीप शीपिशली एंड सस्पिशियसली तो जो पीजेंट्स थे जो किसान थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा शीपिशली का मतलब क्या होता है लज्जित ढंग से सस्पिशियसली संदेहपूर्ण मतलब उनको थोड़ा सा शक हो रहा था भाई ये क्या चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी और शिपिशली का मतलब आ, मतलब शर्म क्यों आ रही थी उनको क्योंकि उन्होंने तो उसको देने से मना कर दिया था कुछ भी लेकिन वो उनके लिए सूप बनाना चाहता है कि मैं तुम्हें मेरे वाले सूप में से सूप दे दूंगा और वो कुछ देने को तैयार नहीं थे इसलिए उनको शर्म आ रही थी लेकिन संदेह इसलिए हो रहा था कि स्टोन का सूप बनेगा कैसे नो बडी वॉन्टेड टू मूव फर्स्ट पहले तो कोई भी वहाँ से हिलना नहीं चाहता था नो बॉडी और कोई भी अपनी क्रोसिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता था क्रोर्सिटी क्या होता है मतलब हमारे अंदर जो जानने की इच्छा होती उत्सुकता होती है जो तो वो अपनी उत्सुकता को एडमिट का मतलब स्वीकार नहीं करना चाहता था मतलब कोई ये नहीं कहना चाहता था कि हाँ मैं भी देखूंगा अभी तुम कैसे बनाओगे क्योंकि वो शर्म फील कर रहे थे भी अब क्या करें नो बडी वन टू मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ कोई भी अपने आप को पागल नहीं बनाना चाहता था बट सडन सडनली अ कॉमन इम्पल्स ओवरकेम दैम ऑल इम्पल्स का मतलब क्या होता है जो एक्साइटमेंट होती है तो लेकिन अचानक से उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गई वेल दे सैड उन्होंने कहा जस्ट अ पीस और टू कुड नॉट डू एनी हार्म एक ही पीस लेके आए या दो लेके आए कहीं नुकसान तो नहीं करेंगे अ हैंडफुल ऑफ पीस कोई uh, मतलब मटर के दाने अ पेयर ऑफ टमेटोज टमेटोज दो तीन दो स्टोन सूप ये सारी की सारी चीज़ें स्टोन सूप आफ्टर ऑल Uh, अब वो पीछे वाली चीज़ें उसने बताई थी वो भी डल गई कॉलीफ्लावर है कैरेट है गार्लिक है ग्रीन स्टफ़ है और अब यहाँ पर टोमेटो भी ले आए वो हैंडफुल ऑफ पीस भी ले आए ठीक है तो स्टोन सूप आफ्टर ऑल वॉज समथिंग न्यू इन दियर लाइव एंड दे माइट एज वेल एज मेक द मोस्ट ऑफ इट कि स्टोन सूप उनकी लाइफ में पहली बार मतलब uh, कुछ नया था और वो मतलब इसे रखना भी चाहते थे वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे स्लिप्ड अवे एक एक करके वो वहाँ से खिसक गए स्लिप्ड अवे का मतलब खिसक गए एंड केम बैक विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है योगदान मतलब कि सारे अपने अपना अपने अपने घर से कोई ना कोई चीज़ लेके आए उसमें डालने के लिए स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप टर्निप होती है जो शलगम होती है स्प्लैश क्या होता है जब हम पानी में छलांग मारते हैं ना जैसे तो वो जो आवाज़ होती है उसको तो हम स्प्लैश कहते हैं तो अब गई पानी में शलगम वेंट अ तो पोटैटो एक गया आलू फिर कैबेज फिर ऑनियन फिर पीज अंटिल ब्रू वॉज मारवेलस थिक एंड फ्रेगरेंट जब तक की जो ब्रू था मीस जो वो सामग्री थी मिक्सचर था वो थिक मतलब गाढ़ा नहीं हो गया और फ्रेगरेंट उसमें से खुशबू आने लग गई एंड यू कुड सी नाउ सी यू कुड नॉट सी टू स्टोन्स फॉर द बबल एंड रिचनेस ऑफ इट और अब आप वो दो स्टोन स्टोन्स देख ही नहीं पाए देख ही नहीं पाएंगे और उसकी रिचनेस वो स्पलेंडेडर सोल्जर ने benevolent एंड हॉस्पिटेबल विलेज benevolent क्या होता है जो परोपकारी होता है हॉस्पिटेबल जो मेहमान नवाज होता है कि आ, आज हम कितना बढ़िया डिनर करने जा रहे हैं यहाँ पर आ, इस परोपकार वाले गांव में और इस जो मेहमान नवाजी वाला गांव है उसके अंदर इट इज़ नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक ये ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहेमिया कि हर रात को ऐसा नहीं होता है वीक की कि आपको स्टोन सूप बनाना पड़े आ मिस्टर बर्गो मास्टर सर ओ सर मिस्टर बर्गो मास्टर से बात कर रहा है वो आन द स्केयरिंग विद द जॉक फॉर एन ओल्ड वोमेन और फिर ऐसे करके उसने उनको बातों तो में उलझा लिया मतलब बात करना स्टार्ट कर दिया किसी जॉक मतलब मजाक करने लग गया ओल्ड वोमेन के साथ डिग एड द पोट्री पोटली मर्चेंट पोटली क्या होता है जो मोटा होता है कि उस मोटे से मर्चेंट के साथ लिटल फ्लैक्ट्री ये यहाँ पर फैक्ट्री लिखा हुआ है ये फैक्ट्री नहीं आएगा ये होगा फ्लैक्ट्री फ्लैटरी का मतलब क्या होता है चापलूसी फ्लैटरी एल आएगा के बाद एंड लिटल फ्लैटरी फॉर द बर्गो मास्टर और बर्गो मास्टर की थोड़ी सी उसने चापलूसी की मतलब आप बड़े अच्छे हैं ये है वो है एंड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है जो शॉर्ट स्टोरीज होती है बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस छोटी छोटी बातें तो बर्गो मास्टर फिर एक बाढ़ ही आ गई छोटी छोटी स्टोरीयों की मतलब सभी अपनी अपनी स्टोरी बताने लगे कि हाँ अपना अपना एक्सपीरियंस बताने लगे कोई भी बात पुरानी द सोल्जर हैड ऑल दिटीजन सिटिंग अराउंड हिम सोल्जर्स के चारों तरफ वो सारे सिटीजन बैठे थे बॉन्डरिंग एंड एक्सपेक्टेंट सारे हैरान भी थे और आशा भी थी उनके मन में अंटिल एट लास्ट द सुप वॉज रेडी जब तक कि लास्ट में वो सू, सूप रेडिंग नहीं हो गया इट्स नरिशिंग नरिशिंग क्या होता है जो पोषणकारी पोषक वेपर्स का मतलब भाप वर वाफ्टिंग अराउंड द स्क्यर वाफ्टिंग वाफ्टिंग का मतलब क्या होता है जो मतलब एयर के थ्रू कोई चीज बहा के आती है हमारे पास फैल जाती है जैसे हवा में खुशबू तो उसकी जो खुशबू है वो वहाँ पर फैल रही थी अ पाइल ऑफ बाउल्स एंड अ पियर्ड हैड अ पीयर्ड एंड दे ओल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स अ पाइल ऑफ बाउल्स मीन्स की कटोरों के ढेर आ गए वहाँ पर और वो सभी के सभी जो पेविंग स्टोन्स हैं जो फर्श के पत्थर हैं उन पर बैठ गए द सोल्जर इन द मिडल बीच में वो सोल्जर बैठा था सिपिंग द स्टफ विद इन इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन और फिर उसने वो जो स्टफ था मीन जो वो बना था वो पदार्थ जो बना था उनका उसको बड़ी ही सैटिस्फेक्शन uh, के साथ सिप सिप करके वो चखने लगा एक्सक्विजिट हार्टर बर्गो मास्टर बर्गो मास्टर ने बोला शानदार एक्सक्विजिट का मतलब क्या मतलब होता है शानदार ठीक है फूड Uh, किसको अपने आप पर पहले गर्व था भोजन बनाने पे मैग्निफिशियंट सेट द पोर्टली मर्चेंट और फिर उस मोटे वाले मर्चेंट ने बोला कि बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इटिंग रियल ईटिंग जो कि खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था मोटा था तो इसका मतलब शौकीन ही था सॉरी रियल टेस्टी आई मस्ट से ऑब्जर्व द वोमेन अब जो वोमेन थी वो विद द वाट ऑन द आउज नो जो कह रही थी पहले कि मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी वो कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मुझे कहना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड अब ये ग्रेट वर्ल्ड का जी और वाई डब्ल्यू जो कैपिटल है इट मीन्स द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ चाइना ये चाइना वो चाइना का चाइना की बात कर रहा था ना चाइना सूप है ये कि ये तो उस ग्रेट वल्ड से ऊपर भी ऊपर है मतलब वो, उसको भी माफ कर दिया इसने तो सूप ने आज वन यूथ विद हिज माउथ फुल एक उसमें से एक मतलब जवान लड़का बोला जिसका मुंह भरा हुआ था सूप से अलेक्जेंडर द ग्रेट डू यू मीन अलेक्जेंडर महान तुम्हारा मतलब ये है क्या क्वेरिडन एदर दूसरे ने बोला स्टोन सूप एट द लास्ट ऑफ दास्ट में बोला स्टोन सुप एट ऑल टॉकिंग एट वंस व मिरैक्कल क्या चमत्कार है मिरेक्ल मीन्स चमत्कार वट अ मार्वलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना चाइना ने कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है एंड द सोल्जर्स चकल टू himself एज ही हैड हिज सूप कम्फर्टेबली चकल मीन्स मुँह दबाकर जो हँसते हैं क्योंकि उसने उनको पागल बना दिया था चीज़ें उन्हीं की लगी थी स्टोन ने कुछ नहीं किया था स्टोन और पानी से कुछ नहीं बनने वाला था बस उसने वो जो स्टफ्स उनसे मंगवाए और जो डाली जो वेजिटेबल्स उसी से वो स्टफ्स बना था और वो सब यही सोच रहे थे कि वो स्टोन सूप है ठीक है और आ, उसे वो दब मुँह दबा कर रहा था और लास्ट में उसे अपना सूप कम्फर्टेबली मिल गया ओके हे द चैप्टर एंड्स होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा समझ और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू आस्क मी स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय